गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल अपन 11th के क्लास में, 11th प्लस नीट के क्लास में मैं आप लोग को पढ़ा दिया था, ठीक है। जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपका एलगी। एलगी मीन्स होता है आपका शैवाल होता है, क्लियर है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एलगी का, तो एलगी होता है आपका फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है, ये भाग लेगा। इसके साथ साथ ये यूकैरियोटिक सेल होता है। कौन से रोग में आपका यूकैरियोटिक सेल होगा, क्लियर है। और साथ साथ ये थायलोफाइटा का ग्रुप होता है। कौन सा फाइटा होगा भाई आपका, थायलोफाइटा। थायलोफाइटा मींस होता है इसका जो प्लांट बॉडी होगा, कौन सा बॉडी भाई, प्लांट बॉडी होगा वो रूट, लीफ और स्टेम में डिवाइड नहीं होता, क्लियर है। ये तीनों चीज में डिवाइड नहीं होता, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई, थायलोफाइटा कहते हैं। ये जो एल्गी का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इसके अंतर्गत क्या जाता है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, इसका तो शैवाल का, ठीक है। फिर इसको फादर ऑफ फाइकोलॉजी ओपी एंगर को जाता है। इसको जाता है भाई ओपी यंगर को जाता है, क्लियर है। मतलब एंगर नामक वैज्ञानिक को ही क्या कहा जाता है, सवाल का पितामह के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। ये जो एलगी होता है जनरली क्या होता है भाई आपका, ये इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो जैकेट से घिरा हुआ नहीं होता, बस इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है क्या होता है आपका, थायरोफाइटा का उपस्थित होना। मतलब इसमें इसका प्लांट बॉडी रूट, लीफ और स्टेम में डिवाइड नहीं होता, इस कारण ये थैलस स्ट्रक्चर होता है। इसका शरीर कैसा स्ट्रक्चर होगा भाई, थैलस स्ट्रक्चर होता है। जब थैलस स्ट्रक्चर होता है तो ये इसकी जो बॉडी होता है ये पूरे बॉडी क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, और इसके साथ साथ भोज्य पदार्थ का क्या करेगा, वो एब्जॉर्प्शन करता है, क्लियर हुआ। फिर इसके बाद देखते हैं एलगी के, अपन देखते हैं जनरल इसके कैरेक्टर्स देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर अपना एलगी में होता है, ठीक है। तो एलगी के हम कैरेक्टर की बात करते हैं, देखिएगा क्या है इसमें कैरेक्टर्स होता है। सबसे पहले ये होता है आपका एक्वेटिक प्लांट्स होता है। एक्वेटिक मतलब क्या होता है आपका, जलीय पौधे होते हैं। पहला क्या होगा भाई आपका, एक्वेटिक प्लांट होगा मतलब जलीय पौधा होगा, और जलीय पौधा के साथ साथ क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है और मेराइड वाटर होता है। दो ग्रुप में बांटा गया है, पहला एक होगा फ्रेश वाटर होगा, क्लियर हुआ। दूसरा होगा आपका मेराइड वाटर। मेराइड वाटर मतलब जहां पर पानी संग्रहित होता है उस वाटर को अपन क्या कहते हैं, मेराइड वाटर कहते हैं, और जो बहता हुआ पानी होता है उसे अपन क्या कहते हैं भाई, फ्रेश वाटर कहते हैं, क्लियर हुआ। फिर इसके साथ साथ ये जो एल्गी होता है ये मिट्टी एवं चट्टानों में भी पाया जाता है, मतलब किसमें मिलेगा, सॉइल में, और सॉइल के साथ साथ ये बार कभी भी क्या होता है, उपस्थित होता है। जनरली बात करते हैं अपन एल्गी की, तो एल्गी का जो सेल वाल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, आपका सेल्यूलोज का बना होता है, क्लियर है। जबकि इसके जो कोशिका होगा वो यूनिसेलुलर भी होगा और मल्टी सेलुलर होगा, दोनों प्रकार का होता है, क्लियर है। यूनिसेलुलर भी होगा और मल्टी सेलुलर होगा। जब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर है तो फिक्स हो गया कि ये जो कंडीशन होगा एलगी वो मोटाइल भी होगा प्लस क्या होगा आपका, नॉट मोटाइल होगा, क्लियर है। जैसे मोटाइल के अंदर कौन होगा भी आपका, क्लेमाइडोमोनास होगा। कौन होगा भाई आपका, क्लेमाइडोमोनास होगा। जो नॉन मोटाइल के अंतर्गत कौन होगा भी आपका, क्लोरेला होगा। तो क्लेमाइडोमोनास की संरचना इस प्रकार से होगा और क्लोरेला की संरचना इस प्रकार से होगा, क्लियर है। एक दो प्रकार की होता है इसमें, मतलब लोकोमोशन भी होता है। तो लोकोमोशन किसमें होगा आपका, फ्लेजिला के द्वारा, क्यों, क्योंकि ये जो संरचना होगा ये कहलाता है आपका फ्लेजिला होगा, क्लियर है। जिसके कारण क्या होता है आपका, ये मूवमेंट करता है, क्लियर हुआ। फिर इसमें देखते हैं इसके जो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या मिलता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है भाई। जैसे कि मान लीजिएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एलगी में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि मान लीजिएगा अगर हम बात करते हैं क्लोरेला का,
किसकी बात करते हैं, क्लोरेला। तो क्लोरेला में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जर्मनी की शेप में होता है, कप शेप होगा भाई, क्लियर है। उडोगोनिया में जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो किस रूप में होता है आपका, रेटिकुलेट के रूप में होता है। किस रूप में होगा, रेटिकुलेट। स्पाइरुलिना पे रहता है आपका, स्पाइरल क्रम में होता है, ठीक है। अगला होता है आपका जिग्निमा में, तो जिग्निमा में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्टार शेप्ड होता है। किस शेप्ड होगा भी आपका, स्टार शेप्ड होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी क्या पाए जाते हैं इसमें, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है आपका, भाग लेता है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई इसमें जो भोज्य पदार्थ होता है वो भोज्य पदार्थ क्या होता है आपका, अलग अलग रूप में पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भोज्य पदार्थ की बात करते हैं, तो जैसे देखिएगा भोज्य पदार्थ पहला देखते हैं जो क्लोरोफाइट ऑफ ग्रुप का होता है, कौन सा होता है आपका, क्लोरोफाइटा में जो भोज्य पदार्थ होता है वो किस रूप में होगा आपका, स्टार। और दूसरा क्या होता है आपका, पायरेनाइट्स के रूप में होता है, क्लियर है। दूसरा बात का मेहमान जेंथोफाइटा का, तो जेंथोफाइटा में जो भोज्य पदार्थ होता है वो आयल ड्रॉप के रूप में होता है, किस रूप में होगा भाई आपका, आयल ड्रॉप के रूप में होगा। दूसरा होता है आपका फियोफाइटा, तो फियोफाइटा में होता है आपका मैरिटाल के रूप में होता है, किस रूप में होगा भाई, मैरिटाल और लैमिनेरिया के रूप में होगा, क्लियर है। जबकि हम बात कर रहे हैं अपन रोडोफाइटा का, तो रोडोफाइटा में जो फूड मटेरियल होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, किस रूप में होगा भाई, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में क्या पाया जाता है आपका, भोज्य पदार्थ पाया जाता है। क्लोरोफाइटा में क्या मिलेगा, स्टार्च और पायरेनाइट्स मिलता है। जेंथोफाइटा में आयल ड्रॉप के रूप में मिलेगा। फियोफाइटा में कैसा होगा, मैरिटाल और लैमिनेरिया मिलेगा। जबकि रोडोफाइटा में भोज्य पदार्थ क्या रहता है, क्लोरिडियन स्टार्च होता है, क्लियर। कौन समुद्र की अधिक गहराई के कौन से एंगी मिलेगा आपका, रोडोफाइटा। कौन से एंगी भाई, समुद्र की अधिक गहराई में कौन से एंगी मिलता है, तो रोडोफाइटा मिलता है, क्लियर है। अब इसकी जो कलर होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, जैसे क्लोरोफाइटा है जनरली ये कौन सा कलर दिखता है आपका, ग्रीन कलर का दिखेगा। जेंथोफाइटा कौन सा कलर का दिखेगा, ये येलो कलर का दिखाई देता है। फियोफाइटा कौन सा कलर का दिखाई देगा, ये ब्राउन कलर का होगा। रोडोफाइटा कौन सा कलर का दिखाई देगा, तो रेड कलर का होगा। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो पिगमेंट्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या पाया जाता है आपका, पिगमेंट्स पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें मिलता है आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी मिलेगा। येलो में आता है आपको मिलेगा जेंथोफिल, मिलता है आपका कैरोटीनॉइड मिलता है। फियोफाइटा में आपका क्लोरोफिल ए मिलता है, क्लोरोफिल सी होगा। रोडोफाइटा में आपका क्या होता है, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन्स पाया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग क्या पाया जाता है, इसमें पिगमेंट्स पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है आपका, भाग लेता है, क्लियर है। फिर इसमें बात करते हैं अपन, फिर इसकी जो बात करते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वर्धित प्रजनन, तीनों प्रकार के इसमें क्या पाया जाता है आपका, रिप्रोडक्शन पाया जाता है, क्लियर है। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट इसकी बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, क्लियर है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो जनरली तीन प्रकार के होता है। पहला होगा आपका आइसोगेमस होगा, क्या होगा भाई आपका, आइसोगेमस। दूसरा होगा आपका एनाइसोगेमस होगा। तीसरा होगा आपका उगेमस प्रकार का होगा। जनरली कितने प्रकार का होगा भाई आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन प्रकार के होगा। पहला आइसोगेमस, दूसरा एनाइसोगेमस और तीसरा क्या होगा भाई आपका, उगेमस प्रकार का होगा। तो आइसोगेमस मतलब जिसका साइज और शेप क्या होगा, बराबर होगा। साइज शेप क्या होगा, बराबर होगा, किंतु भौतिक कार्य क्या रहता है भाई आपका, अलग होता है। ये कहलाता है आपका आइसोगेमस होगा, क्लियर हुआ। दूसरा एनाइसोगेमस जिसका साइज और शेप क्या रहता है भाई आपका, अलग अलग होगा। क्या होगा, साइज और शेप अलग अलग होगा, किंतु कार्य क्या होगा, एक समान होगा। कार्य क्या होगा भाई, एक समान होगा। तीसरा होगा उगेमस जिसका साइज और शेप क्या रहता है आपका, अलग अलग होगा। क्या होगा भाई, अलग अलग होगा और कार्य भी क्या रहता है आपका, अलग होगा। दोनों अलग अलग प्रकार का होगा वो क्या कहलाता है आपका, उगेमस प्रकार का होता है, क्लियर हुआ। ये हो गया क्या हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसके बाद करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय जूस्पोर होता है। क्या होगा भाई, जूस्पोर।
बाई एप्लेनोइस फोर, ठीक है, बाई हैप्लेनोइस फोर, हैप्लेनो स्कोर, क्लियर है, मतलब जो स्कोर होता है एप्लेनो स्कोर होता है, एप्लेनो स्कोर होता है, एकाइनेट्स होगा, एकाइनेट्स पार्मेला स्टेज होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, ठीक है। किंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ कौन भाग लेता है, तो गैमेट्स भाग लेता है, कौन भाग लेता है आपका गैमेट्स, लैंगिक जनन की क्रिया में क्या करता है आपका भाग लेता है, ठीक है। बट इसमें यह होता है कि जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमेशा जायगोट का फॉर्मेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इसका निर्माण होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। फिर इसके साथ साथ देखते हैं इसकी जो थैलस होता है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। फिर इसके साथ साथ देखते हैं पीढ़ी एकांतरण डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा, हैप्लॉइडिक प्रकार का होगा, डिप्लॉइडिक प्रकार का होगा, हैप्लोडिप्लॉइडिक होगा, डिप्लोडिप्लॉइडिक होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या पाया जाता है इसमें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, क्लियर हुआ। अब हम कुछ स्पेशल टाइप एल्गी की बात करते हैं, जैसे कि इसकी हैबिट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सा एल्गी कहाँ पाया जाता है, उसी हिसाब से हम देखते हैं जनरली कौन सा एल्गी कहाँ पाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं, कौन सी वाटर की बात करते हैं भाई, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब होता है बहता हुआ पानी पे जो पाया जाने वाला जो एल्गी होता है वो जनरली दो ग्रुप का होता है, एक तो होता है आपका क्लोरोफाइटा ग्रुप का, कौन सा फाइटा होगा भाई, क्लोरोफाइटा ग्रुप का होगा, दूसरा होगा आपका टायरोफाइसा का होगा, टायरोफाइटा, ठीक है। इस ग्रुप का स्पीशीज क्या होता है आपका जनरली ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये काला हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ठीक है, और क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, उडोगोनिया होगा, ये सभी क्या होता है आपका फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले क्या है आपका ये एल्गी होते हैं, क्लियर हुआ है। क्लियर, इसके बाद और इसी में आता है क्लेडोफोरा आता है, क्लेडोफोरा, ये सभी कौन से वाटर में पाए जाते हैं आपका, और होता है आपका वाल्वाक्स हो गया, ये सभी फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले क्या हो गया आपका एल्गी हो गया, कारा, यूलोथ्रिक्स, वाल्वाक्स, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, उडोगोनिया और क्लेडोस्पोरा। तो कारा मल्टी ब्रांच में होगा, यूरोथ्रिक्स लीफ के समान होगा, वाल्वाक्स गेंद के समान होगा, क्लोरेला यूनिसेलुलर होता है, क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर, क्लोरेला नॉन मोटाइल होगा, क्लेमाइडोमोनास क्या होगा मोटाइल होगा, उडोगोनिया क्या होगा आपका फिलामेंटस होता है, क्लेमाइडोमोनास भी क्या होता है आपका फिलामेंटस होता है। इस प्रकार के क्या होता है आपका फ्रेश वाटर में एल्गी पाया जाता है। दूसरा देखते हैं अपन मेराइन वाटर में, कि मेराइन में मतलब समुद्री में कौन कौन सा एल्गी पाया जाता है। इधर देखते हैं जनरली मेराइन वाटर, मेराइन मतलब होता है आपका समुद्रीय वाक में पाया जाने वाला एल्गी होता है। तो समुद्र में पाए जाने वाले जनरली क्या होता है, थियोफाइटा ग्रुप का और उडोफाइटा ग्रुप का आता है, कौन सा होता है भी आपका थियोफाइटा ग्रुप का, और दूसरा होता है आपका रोडोफाइटा ग्रुप का। तो दोनों स्पीसीज कहां पाया जाता है आपका मेराइन वाटर में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिएगा सार्गसम हो गया, फ्यूकस हो गया, क्लियर हुआ, ये सब ग्रुप किसमें आता है आपका थियोफाइटा ग्रुप का आता है। इसके साथ साथ आपका आता है फ्यूकस, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया, ठीक है, रोडोफाइटा में आता है आपका पॉलीसाइफोनिया, बैट्रोस्कॉर्पम, बैट्रोस्कॉर्पम, क्लियर है। ये सब स्पीशीज का वाटर में आता है आपका मतलब मैराइन वाटर के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो मॉइस्चर जगह पर पाया जाता है, नम भूमि पर पाया जाता है। तो नम भूमि पर देखते हैं कि कौन कौन सा एल्गी पाया जाता है। तो देखिए ना, मॉइस्चर सॉइल पे जो पाए जाने वाले होते हैं, ठीक है, या टेरेस्ट्रियल हैबिट। अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी, जो टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है इसके अंतर्गत जनरली कौन आता है आपका वाउचेरिया आता है। ये याद रखना, वाउचेरिया कौन से एल्गी आता है आपका टेरेस्ट्रियल एल्गी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ वाउचेरिया के साथ बॉट्रिडियम भी आता है, कौन आएगा भाई, बॉट्रिडियम, ये सभी कौन से एल्गी आपका टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है।
क्लियर है। कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो मॉइस्चर नम अम्लीय भूमि में पाया जाता है। किस जगह पाया जाता है? नम अम्लीय भूमि में पाया जाने वाला शैवाल। तो नम अम्लीय भूमि में पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं जिसको अपन कहते हैं फ्रेस्चेला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फ्रेस्चेला। ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेस्चेला को, नम अम्लीय भूमि में पाए जाने वाले एल्गी को क्या कहते हैं? तो आपका फ्रेस्चेला कहते हैं, ठीक है। फिर इसका और इक्वेशन देखते हैं आपका ईपीफाइट एल्गी। कौन से एल्गी देखते हैं भाई? ईपीफाइट। ईपीफाइट मतलब उपद्रोही के रूप में पाए जाने वाले जो एल्गी होते हैं उसको कहते हैं आपका ईपीफाइट कहते हैं। इसके अंतर्गत यूरोथ्रिकस आता है, सुना का भाई यूरोथ्रिकस, और इसके साथ साथ उडोगोनिया आता है। सुना का भी आपका उडोगोनिया आता है, क्लियर है। ये दोनों स्पीशीज क्या होता है आपका? ईपीफाइट होता है। कौन कौन? तो यूरोथ्रिकस और उडोगोनिया होता है। फिर इसके साथ साथ देखते हैं इसमें अगला होता है आपका सिम्बायोटिक के रूप में एल्गी। कौन सा एल्गी भाई? सिम्बायोटिक के रूप में जो एल्गी होता है वो सिम्बायोटिक एल्गी किसे कहते हैं भाई आपका? वो है आपका नॉस्टॉक आता है। कौन होगा भाई आपका नॉस्टॉक, एनाबीना, और कौन होगा आपका? एजोला होगा। ये सभी क्या होता है आपका? सिम्बायोटिक एल्गी होता है। फिर इसके साथ साथ देखते हैं कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो पैरासाइट एल्गी होता है। कौन सा होगा भाई आपका? पैरासाइट एल्गी। पैरासाइट एल्गी मतलब परजीवी के रूप में पाए जाने वाले जो एल्गी होते हैं वो होते। इसके अंतर्गत आता है आपका सिफ्लोरॉन्स होता है। कौन आएगा भाई आपका? सिफ्लोरॉन्स, जो चाय में क्या करता है आपका? किट्टा रोग पैदा करता है। तो ये जो सिफ्लोरॉन्स होता है ये चाय में कौन सा रोग पैदा करता है? आपका किट्टा रोग उत्पन्न करता है। ये पैरासाइट के रूप में पाया जाने वाला एल्गी होता है। कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो थर्मल एल्गी होता है। तो अगले जो एल्गी का नाम होता है वो आपका थर्मल एल्गी। थर्मल एल्गी मतलब क्या होता है? उष्णीय जल में पाया जाने वाला एल्गी, जिसको कहते हैं अपन थर्मल एल्गी कहते हैं। कौन सा कहते हैं अपन? थर्मल एल्गी। तो ये जो थर्मल एल्गी के अंतर्गत आता है आपका कौन सा एल्गी आएगा भाई आपका? साइनोबैक्टीरिया आएगा। कौन आएगा भाई आपका? साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, जिसको कहते हैं बीजीए के नाम से जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से, क्लियर है। फिर ये अगला होता है आपका एंडोफाइट एल्गी होगा। कौन होगा भाई? एंडोफाइट एल्गी। तो जो एंडोफाइट के एल्गी के अंतर्गत मतलब थैलस के अंदर जो रहता है वो आता है आपका नॉस्टॉक आता है। कौन आएगा भी आपका? नॉस्टॉक, जो इसके अंदर भी रहता है तो वो एंथोसिरास के थैलस के अंदर क्या पाया जाता है आपका? एल्गी पाया जाता है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका क्या होता है आपका एल्गी। कुछ ऐसे होते हैं जो एंडोजोइक एल्गी होता है। कैसा होगा भाई? एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक, देखिए एंडोफाइट मतलब प्लांट में हो गया, एंडोजोइक एल्गी मतलब जीव के अंदर पाया जाने वाला, जैसे कि हाइड्रिला। क्या होगा भाई? हाइड्रिला और स्पंज के अंदर पाए जाने वाले कौन से एल्गी होगा? तो वो है आपका क्लोरेला एल्गी होगा, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार के एल्गी करके हमने बता दिया मैं आप लोग को भाई, जनरल करेक्टर्स बता दिया। अब इसकी बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं भाई? एल्गी की थैलस की बात करते हैं। जब एल्गी की थैलस की बात करते हैं तो एल्गी की थैलस की जो संरचना होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसका एग्जांपल वो समझिएगा आप, ठीक है। इसकी थैलस को मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो इधर देखिएगा, थैलस की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। तो पहला होता है आपका यूनिसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर मतलब होता है एक कोशिकीय होगा। जैसे कि कोशिकी में क्या बताया भाई मैं आपको तो क्लोरेला, ये जो क्लोरेला होगा वो नॉन मोटाइल होगा, क्लियर है। इसकी जो संरचना होगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये क्लोरेला क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। अगला हम बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास की। जब क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं तो कैसा प्रवृत्ति होता है? मोटाइल प्रवृत्ति का होगा, इस प्रकार से होगा। मतलब इसमें क्या मिलेगा भाई आपका? फ्लैजिला मिलेगा, क्लियर। बात पहला हो गया आपका यूनिसेलुलर की बात हो गया। दूसरा होता आपका सिनोवियल के रूप में, सिनोवियल के रूप में, या इसी को बोलते हैं कॉलोनी के रूप में। तो कॉलोनी के रूप में कौन होता है भाई आपका? वॉल्वॉक्स होता है, जो पानी में लुढ़कता हुआ गेंद के समान क्या होती है? इसकी संरचना होती है। इस प्रकार से क्या होगा, इसकी संरचना रहता है, क्लियर हुआ। तो पानी में लुढ़कता हुआ इस प्रकार क्या होता है? संरचना दिखाई देता है। ये होता है आपका सिनोबियल या कॉलोनी के रूप में होता है।
ठीक है। अगला होता है आपका, ये तो हो गया कॉलोनी बता दिया मैं, ठीक है। अगला होता है आपका फिलामेंटस के रूप में, अगला कॉन्सेप्ट ये होगा भाई आपका फिलामेंटस के रूप में। तो जो फिलामेंटस के रूप में कौन होता है आपका, उडोगोनिया होता है। कौन होता है भाई आपका, उडोगोनिया। इस प्रकार के क्या होता है, इसकी संरचना रहता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार की जो संरचना रहता है वो कहलाता है आपका उडोगोनिया का होगा। क्लियर है? जिसमें मेल को क्या कहते हैं भाई अपन, एंथ्रोजॉइट्स कहते हैं, एंथ्रोजॉइट्स कहेंगे। और फीमेल को क्या कहते हैं तो अपन उगोनिया कहते हैं। फीमेल को क्या कहते हैं भाई अपन, उगोनिया कहेंगे। क्लियर है? इस प्रकार से क्या होता है आपका, मेल और फीमेल का क्या होता है आपका, फॉर्मेशन होता है। तो ये फिलामेंटस में दो होता है भाई आपका, एक तो ये जो दिख रहा है ये आपका अनब्रांच्ड होता है। कैसा होगा ये, अनब्रांच्ड होगा। अगर ब्रांच्ड की बात करें तो ब्रांच्ड के अंतर्गत कौन आता है भाई आपका, मतलब क्लेडोस्पोरा आता है। कौन आएगा आपका, क्लेडोस्पोरा। ये आपका क्या होगा भाई आपका, फिलामेंटस है लेकिन क्या होता है इसमें ब्रांच्ड पाया जाता है। क्लियर है? ये अगला ये हो गया आपका, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेपरेट होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन सेपरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता देता हूं मैं, जितने भी जो एल्गी होता है उसका जो थैलस होता है वो पैरेंट कैमेटा सेल्स का बना होता है, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट वीडियो को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके दोस्त, थैंक यू।